इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां पान दुकानदार को गोली मारने वाला आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस की तत्परता से मौके पर पुलिस पहुंच गई और मॉब लिंचिंग होते होते बच गया। बता दें कि बेगूसराय में पान दुकान के कर्मचारी को गोली मारकर हत्या करने वाले एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर आरोपी पुलिस गिरफ्त में होने के बाद भीड़ उसकी पिटाई कर रही है। दरअसल आज सुबह नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर गुमटी के पास दुकान कर्मचारी दिलखुश को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच आरोपी को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद भी लोग उसकी पिटाई करते रहे। दरअसल बेगूसराय में सुबह सुबह व्यस्ततम इलाका लोहिया नगर गुमटी के समीप पान के कर्मचारी को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि NH31 के किनारे लोहिया नगर समीप दुकानदार ने जब उधार में सिगरेट देने से बदमाशों को मना किया तो इसी से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी पाकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में ई रिक्शा पर लोड कर उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सहरसा जिला के बरियारपुर भौरा निवासी डोमी यादव दिलखुश कुमार 20 के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि NH31 के किनारे एक गुमटी में दिलखुश कुमार पान की दुकान और अवैध तरीके से गांजा की बिक्री करता था। मिली जानकारी के अनुसार दिलखुश कुमार अपने मालिक तेघरा निवासी आदित्य कुमार का स्टाफ के तौर पर दुकान का संचालन करता था। वह बचपन से ही अपने मालिक के यहाँ रहता था। फिलहाल नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। वहीं मृतक युवक का शव सदर अस्पताल में रखा गया है। दुकान मालिक ने बताया कि कुछ दिनों से दुकान हटाने के लिए लगातार धमकी भी दी जा रही थी, इसी को लेकर उसके कर्मी को गोली मारकर हत्या की गई है। बेगूसराय से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। उकरे बोल देंगे चेहरा उसे अगर देखे तो वह गाने वाला जी बेच रहा था ढला पर। बेगूसराय लोहिया नगर के पास दुकान था सर, वहाँ पर गया अपराधी प्रवृत्ति का दो चार गो आदमी है, बगल वाला आदमी सिखा करके गोली मरवाया। हमको बोला था दुकान बंद कर दो नहीं गोली मार देंगे। आज घटना को अंजाम दे दिया। तेरा स्टाफ था मेरे साथ 2-3 साल से रहता था, दिलखुश कुमार नाम हुआ, सहरसा घर हुआ, बाप का नाम डोमिन यादव हुआ। कौन चीज का दुकान था, क्या करता था? मधु शिखर गुटका बीड़ी बिकता था, कौन उनका दुकान था क्या देखे सर? देखिए हम घोसी के लिए डिब्बा लेके बाथरूम करने जा रहे थे, ये बोले कि भैया हो उसके पैसा दे नहीं रहे, कम से कम दे देते तो हम डिब्बा में पानी भर के बाथरूम करने के लिए। फिर उन्हें आइए ना तो सुन लीजिए गोली मार के भाग गया सब। कितना लोग था? 4 आदमी था। वो बाहर कटे देखे थे? नहीं चार आदमी तो हम नहीं देखे सर, मगर दुकान में गोली मारा जरूर घुस कर। बाहर किसे कर रहा था? बाहर में ना, भीतर में था, काउंटर में बैठा लोग जो बाहर में था ना गांकी वह मारा। कौन से खातिर मारा पता? सीधे कारण अब सिगरेट पी लिए, पैसा नहीं देगा तो बोलेगा अरे लोग पैसे मांगने के कहा थे कहरा माँ बेटा।
बेगूसराय लोहिया नगर के पास दुकान था सर, वहाँ पर गया अपराधी प्रवृत्ति का दो चार गो आदमी है, बगल वाला आदमी सिखा करके गोली मरवाया। हमको बोला था दुकान बंद कर दो नहीं गोली मार देंगे, आज घटना को अंजाम दे दिया। मेरा स्टाफ था, मेरे साथ दो तीन साल से रहता था, दिलखुश कुमार नाम हुआ, सहरसा घर हुआ, बाप का नाम डोमिन यादव हुआ। कौन चीज का दुकान था, क्या करता था? मधु शिखर गुटका गिरी बिकता था, कौन उनका दुकान था? क्या देखे सर, देखिए हम घोसी के लिए डिब्बा लेके बाथरूम करने जा रहे थे, ये बोले कि भैया हो उसके पैसा दे नहीं रहे, जा देते तो हम डिब्बा में पानी भर के गए बाथरूम करने के लिए, फिर उन्हें आइए ना तो सुन लीजिए गोली मार के भाग गया सब। कितना लोग था? चार आदमी था। वो बाहर कटे देखे थे? नहीं चार आदमी तो हम नहीं देखे सर, मगर दुकान में गोली मारा जरूर घुस कर। बाहर किसे कर रहा था? बाहर में ना, भीतर में था, काउंटर में बैठा लोग जो बाहर में था ना गांकी, वह मारा। कौन से खातिर मारा पता? सीधे कारण अब सिगरेट पी लिए, पैसा नहीं देगा तो बोलेगा अरे लोग पैसे मांगने के हाथ मार बैठा।